जब भी होली, दिवाली या फिर कोई त्योहार आता है तो हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या बनाए जो कि बहुत दिन तक चले भी और खाने में मज़ा भी आ जाए, है ना। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम दानेदार बेसन के लड्डू, और मैं इसे कैसे बनाती हूँ वीडियो में बने रहिएगा। आपको किस तरीके का पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बेसन के लड्डू तो लगभग हम सभी का फेवरेट ही होता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें बनाना नहीं आता है। मतलब बहुत लोगों की तो यही प्रॉब्लम होती है, तो चलिए आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से ही लेकर आते हैं, तो इस बार आप घर पर ट्राई करिए। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ आपका परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होगा और आपके खूब सारे पैसे बच जाएंगे। और अगली बार से आपको न तो हलवाई के पास से लेकर आने की ज़रूरत है इसे, ना तो हल्दीराम वाला। बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर पर बनाइए और हेल्दी रहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन, ये एक कटोरी है, और मैं थोड़ा सा मोटा बेसन ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी चीनी और उसका आधा आपको घी लेना है, और इसके अलावा 2 से 4 चम्मच आपको घी एक्स्ट्रा डालना है। ये आपका परफेक्ट मेजरमेंट है इस रेसिपी को बनाने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम है, आपको स्टार्टिंग से ही लो फ्लेम पर इसे भूनना है। बेसन को आपको होले होले भूनना है और बिल्कुल इस तरीके से बीच बीच में आपको घी ऐड करना है। 5 से 7 मिनट हो गया था, मैंने 2 चम्मच घी और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है। हल्दी के पाउडर डालने से इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, डोंट वरी। और इसका जो कलर होगा बहुत निखर करके आता है लड्डू में, तो आपको ऐड करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर, अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, चना दाल से खुद घर पर बेसन बना सकते हैं। और या फिर क्या कर सकते हैं कि आप जो पतले वाला बेसन है उसमें आप थोड़ा सा चना दाल को पीस करके ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा दरदरा हो जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं ड्राई फ्रूट कटर से कट कर लूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता लगभग 6 से 7 पीस सभी का था, और मैंने इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। इसी बीच आपको बेसन को भी चलाते रहना है होले होले, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना बेसन जल जाएगा। और बिल्कुल इस तरीके से घी आपको ऐड करते रहना है। तो यहाँ पर इस बेसन को भूनने में आपको 25 से 30 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, तो बिल्कुल पेशेंस रखते हुए आराम से भूनिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा वरना आपके लड्डू खराब हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर बिल्कुल दानेदार लड्डू बनकर तैयार होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कम मेहनत करना है, कुछ भी अलग से ना तो बेसन को मसलना है और ना ही उसे छानना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप मोटे बेसन का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ड्राई फ्रूट्स को और आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, और इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे और 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि इतना घी ऐड नहीं करना है तो इसमें 1 या 2 चम्मच आप कम डाल सकते हैं, वरना आपको इतना तो डालना ही पड़ेगा इस लड्डू को बनाने के लिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है बाहर से लेकर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसके आधे से भी आधे खर्च में आप आराम से घर पर लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तरीका भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हलवाई लोग क्या करते हैं, मोटे बेसन का इस्तेमाल करते हैं ये लड्डू बनाने के लिए। आप चाहे तो खुद चना दाल से बेसन बना सकते हैं मोटी वाली, या फिर खुद चना दाल आपको मोटा पीसना है, बिल्कुल मोटा नहीं बारीक भी होना चाहिए, और आप नॉर्मल बेसन में मिक्स करके बना सकते हैं मेरी तरीके से। मैंने इसी तरीके से बनाया है और काफ़ी बढ़िया बनता है, ट्रस्ट मी, आपको यकीन नहीं होगा खुद पर। अक्सर हम लोग कोई भी फेस्टिवल में बाहर से ही लेकर आते हैं लड्डू वगैरह, तो इस बार आप खुद बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जब कोई भी चीज़ अच्छा बनता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो यहाँ पर मैंने 25 से 26 मिनट तक अच्छे से बेसन को भूना है, इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है और यहाँ पर इसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही थी,
वैसे भी बेसन को जब हम भूनते हैं ना तो उसका बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है, और यहाँ पर कंटिन्यू इसे चलाते रहना है ताकि नीचे वाला लेयर डार्क ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसन गर्म होता है। रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तब यहाँ पर मैं चीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा कटोरी लिया था मैंने, लेकिन थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कम मीठा बनाऊंगी इसे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं, और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आपको इसमें चीनी ऐड करना है। आप चाहे तो तगार भी ऐड कर सकते हैं, जिसको बूरा कहते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और लड्डू इतना बढ़िया बनता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और हर एक बार आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, ये है भुनी हुई सूजी। बिना घी में मैंने इसे भूना है, यानी कि 5 से 7 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है, और आपको 4 से 5 चम्मच आपको डालना है। इससे जो टेक्सचर होगा ना लड्डू को, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। और मैंने यहाँ पर ना इसे रात में बनाया है, अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 घंटे तक छोड़ दिया था, और 2 घंटे के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू कितना बढ़िया तरीके से बंध रहा है, ये देखिए। तो जब कभी भी ऐसा हो ना कि आपका लड्डू परफेक्ट नहीं बंध रहा हो तुरंत, आप उसे रेस्ट भी दे सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुद बनने लगता है। लेकिन मैंने इसे खुद रेस्ट दिया था ताकि मैं इसे बाद में बनाऊंगी, और बाद में लड्डू बहुत ही बढ़िया तरीके से बनते हैं, और बिल्कुल देख सकते हैं लड्डू कितना बढ़िया बन रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं। साइज अपने हिसाब से रखिएगा, बड़ा, छोटा या फिर मीडियम। यहाँ पर मैं बड़े साइज का लड्डू बना रही हूँ, और देख सकते हैं सारे लड्डू बनकर तैयार हो गया है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये देखिए, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना दरदरा है अंदर से, ये देखिए एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ। अभी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन इसे आप 2-3 घंटे के बाद ऐसे रखेंगे ना, ये और भी ज़्यादा दानेदार दिखता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा दानेदार टेक्सचर का है ये, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि बहुत ही बढ़िया बना था, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी, और बिल्कुल कम खर्च में। यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाता है, और अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो चलिए, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर इस रक्षाबंधन पर ट्राई करिएगा या फिर कोई फेस्टिवल में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।